हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई इमरती की रेसिपी। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर किया है, बनाने में बहुत ही आसान और स्वाद में बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो एक बार ज़रूर मेरे तरीके से इसको बना करके आप ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मैंने इसको बनाने के लिए ले लिया है धुली हुई उड़द की दाल, लगभग 1.5 गिलास है, वज़न में कम से कम ये 200 ग्राम है। इसको धोई हुई उड़द की दाल भी कहते हैं, या धोई भी कहते हैं, या फिर सफ़ेद उड़द की दाल कहते हैं। वैसे तो ये मैदे की भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये उड़द की दाल की बहुत ही अच्छी बनती है, कुरकुरी बनती है, तो आप इसको इसी से बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो हमें उड़द की दाल को पहले धो करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिंगो करके रख देना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो मैंने इसको धुल करके और अच्छे से पानी डाल करके ढक करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये देखिए ये फूल करके डबल हो गया है। और अब हम इसके पानी को निकाल लेंगे, अच्छे से इसको धुल लेंगे 2 से 3 बार, और इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो पीसते वक्त आप ये ध्यान रखिए ज़्यादा पानी इसमें मत डालिए, अगर ज़रूरत लगे तो लगभग आधा कप पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और आपको बिल्कुल इसको महीन पीसना है, मतलब दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल महीन, जैसे हम मैदा घोलते हैं तो जितना वो महीन होता है उतना ही महीनी से हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए इसको मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। तो बाकी के उड़द की दाल को भी मैं पीस लूँगी। और ये देखिए हमारी धोई बिल्कुल पीस करके तैयार हो चुकी है। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम हमें इसके लिए करना है, हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो आप एक ही दिशा में इसको फेंटते हुए, हाथ घुमाते हुए इसको फेंट लीजिए अच्छे से। कम से कम 5-7 मिनट आपको इसे फेंट लेना है। तो ये देखिए लगभग टोटल 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको फेंट लिया है। और आप किसी पानी में, कटोरी में पानी लेकर के इसको थोड़ा सा पोर्शन लेके जब डुबोएंगे तो ये ऊपर तैरने लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका मिक्सर बिल्कुल रेडी है। तो हम अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। तब तक हम इस इमरती के लिए चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाशनी जब भी बनाना है तो बराबर पानी और चीनी लेना है, मतलब मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी लिया है और 1.5 कटोरी चीनी ले लिया है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चीनी पानी को पहले हम उबलने देंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट आपको मीडियम आंच पर लगेंगे इसको पकाने में। तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची तोड़ करके टेस्ट के लिए। अगर आपको इलायची का स्वाद नहीं पसंद है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और इस तरीके से हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। तो अब चलिए इमरती के लिए कोन बना करके तैयार कर लेते हैं। तो कोन बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपली जो कपड़े में पॉलीथीन आती है उसको ले लिया है। पॉलीथीन बहुत बड़ा था तो उसको बीच से काट लिया है। और जैसे पॉलीथीन 3 तरफ से बंद होती है तो हम एक तरफ से उसको काट लेंगे, तो जो कोने वाला हिस्सा होता है, तिकोने वाला हिस्सा, वो हमारा कोन बन करके तैयार हो जाएगा। तो कोन बनाने के लिए आप चाहें तो दूध की थैली बना करके भी उसका भी बना सकते हैं, या फिर नमक की जो पॉलीथीन आती है उसका भी आप कोन बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह चाहें तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर। तो अब हम धीरे धीरे कोन में थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालते जाएंगे घोल का। तो ये देखिए हमारा कोन बनके तैयार है, मैंने इसमें घोल डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, चाहे तो आप इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं। इसको मैंने 2 पॉलीथीन में कर लिया है ताकि ये फटे नहीं बीच से। तो ये लीजिए हमारा इमरती के लिए भर करके कोन तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे और काटने के बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं ये मोटा या पतला ना कटा हो।
तो चलिए एक बार हम इसको डिज़ाइन बना करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका डिज़ाइन बन करके तैयार हो रहा है। तो हमारी कुप्पी बन करके तैयार है। अब हम जब भी इमरती बनाने के लिए तेल चढ़ाएंगे तो हमें तेल गर्म नहीं करना है। अगर तेल आप गर्म करेंगे तो आपकी इमरती बिल्कुल इधर उधर हिल डुल जाएगी और आपका शेप अच्छे से नहीं बनेगा। तो आप एक बार तेल गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और जब तेल ठंडा हो जाए तब उसके ऊपर आप डिज़ाइन बनाइए, तो आपकी इमरती बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आप दो बार सर्कल बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते जाइए। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी इमरती बना करके तैयार कर लेंगे। धीमे आंच पे इसको हम सेकते हुए पलटते हुए अच्छे से सुनहरे कलर का सेक लेंगे। तो ये देखिए इमरतियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, इनमें कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी में हमें आधे घंटे कम से कम इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो इन इमरतियों को हाफ फ्राई करके फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 10 से 15 दिन के लिए, और जब भी आपको खाना हो तो इसको दोबारा इसको डीप फ्राई कर लीजिए और चाशनी नॉर्मल करके उसमें डाल दीजिए, आपका इमरती बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चाशनी में इस तरीके से हम दोनों तरफ से इमरती को पलट देंगे ताकि चाशनी दोनों तरफ लग जाए अच्छे से और इमरतियों के अंदर चाशनी जा सके। तो चलिए सेम प्रोसेस के साथ हम बाकी इमरती भी अपनी तैयार कर लेंगे। तो जब भी आप इमरती बनाइए ये ध्यान रखिए कि तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल रुकेगी नहीं, तेल में बिल्कुल हिलती हुई जाएगी और आपका डिज़ाइन अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो ये लीजिए मेरी बाकी सारी इमरतियाँ तैयार हो गई हैं, मैंने अच्छे से चाशनी में इसको डुबो लिया है और आधे से पौन घंटे के बाद इसको आप खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं होता है। तो घर पर अगर अच्छे तरीके से और अच्छे स्वाद में इमरती बनके तैयार हो जाए तो बाहर की इमरती की क्या ज़रूरत है। तो एक बार ज़रूर मेरे तरीके से आप बना करके ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही कुरकुरी सी अच्छी सी इमरती बन करके तैयार हो चुकी है। मैं चलिए इसको एंजॉय करने, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।